कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम ऑकस है। इस संगठन को बनाने का मकसद यही है कि चीन की दादागिरी को कम किया जा सके, क्योंकि दुनिया की दूसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद चीन अपने आप को बेताज बादशाह समझ रहा है। चीन को ऐसी गलतफहमी हो गई है कि वह किसी भी देश को चींटी की तरह मसल सकता है, और यही कारण है कि चीन के खतरनाक इरादों को देखते हुए अमेरिका, जापान और भारत सहित दुनिया के तमाम देश अलर्ट हो गए हैं। अगर कुछ देशों को छोड़ दे तो दुनिया के सभी देशों के साथ चीन की दुश्मनी है, और उनमें से जो दुश्मन नंबर वन है वह अमेरिका है, और चीन भारत को अपना दुश्मन नंबर टू समझता है। खैर, चीन की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के ताकत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही देशों की नेवी के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात इंडियन नेवी की करें तो चाइनीज नेवी के सामने कहीं न कहीं हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि हमारी नौसेना पनडुब्बियों की कमी से काफी लंबे समय से जूझ रही है। जब इस समस्या को सरकार के सामने रखा गया तो सरकार ने प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि भारत खुद के देश में परमाणु पनडुब्बियों को बनाएगा। लेकिन समस्या यह है कि भारत के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम खुद के देश में परमाणु पनडुब्बियों को बना सके। इसके लिए हमें किसी दूसरे देश से मदद लेना ही था। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जो परमाणु पनडुब्बी बनाने में हमारी मदद करेगा, इसे लेकर काफी लंबे समय से डाउट था। लेकिन फ्रांस ने एक झटके में भारत के इस समस्या को सुलझा दिया। दरअसल अमेरिका ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को 5 परमाणु पनडुब्बियां देने का ऐलान किया। यह ऐलान इसलिए किया गया ताकि ऑस्ट्रेलिया चीन का मुकाबला कर सके। अमेरिका की तरफ से ऐलान होते ही फ्रांस ने भी भारत के लिए ऐलान कर दिया है। दरअसल फ्रांस का कहना है कि हम भारत के प्रोजेक्ट 75 अल्फा में भागीदार बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 परमाणु पनडुब्बियों को बनाने वाला है। फ्रांस इन पनडुब्बियों को बनाने में भारत की तो मदद करेगा ही, इसके साथ ही बारकूडा क्लास की परमाणु पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करेगा, जो कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। फ्रांस की तरफ से मिले इस ऑफर से चीन के होश उड़ गए हैं, क्योंकि फ्रांस की तरफ से मिला भारत को यह ऑफर अमेरिका के उसी ऑफर की तरह है जो उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑकस संगठन में दिया था। ऑस्ट्रेलिया भी पनडुब्बियों को इसीलिए खरीद रहा है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके, तो वहीं भारत भी पनडुब्बियों को इसीलिए बना रहा है ताकि चीन से मुकाबला कर सके। तो इस तरह से देखा जाए तो देश चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका टारगेट चीन है। और फिर जब दुनिया के ताकतवर देश मिलकर किसी एक देश को टारगेट करेंगे तो फिर उस देश का सुख चैन उड़ना तय है, जो कि इस समय चीन के साथ हो रहा है। खैर, अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से फ्रांस के इस ऑफर को न तो रिजेक्ट किया गया है और न ही एक्सेप्ट किया गया है। फ्रांस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे घातक पनडुब्बियों को बनाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत फ्रांस के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या नहीं। लेकिन यह बात भी कंफर्म है कि अगर भारत और फ्रांस के बीच यह डील डन होती है तो यह अब तक की इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। खैर, इन सभी पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम में स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा, और भारत की यह कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बनी पनडुब्बी को 2032 तक किसी भी कीमत पर भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाए। खैर दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर आपका क्या राय है कि क्या हमें फ्रांस का यह प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हमें किसी दूसरे देश के साथ काम करना चाहिए? आपका जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।